दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कैप्टन संतोष शर्मा द चीफ हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्स मुंबई। सोमवार को डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जल शक्ति विभाग के ट्रेनिंग सेंटर ढांकसीधार में किया गया। 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ जल जीवन मिशन के परियोजना प्रमुख अभियंता सुशील जस्टा ने किया। कार्यशाला में उत्तरी भारत के 8 राज्यों के अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस 5 दिवसीय कार्यशाला में पेयजल योजनाओं के रख रखाव पर मंथन किया जाएगा। जल जीवन मिशन के परियोजना प्रमुख अभियंता सुशील जस्टा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, उन परियोजना को किस तरह से बेहतर से बनाया जाए, इसको लेकर कार्यशाला में मंथन किया जाएगा, ताकि जल जीवन मिशन के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली परियोजना तैयार हो, जिसका लाभ देश के लोगों को मिल सके। देश के 8 राज्यों के लगभग 35 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जी सर, जी हाँ, ये जो ट्रेनिंग की जा रही है, ये स्टेट ट्रेनिंग सेंटर मंडी में हो रही है। इसमें पूरे कंट्री के 8 स्टेट्स के, खासकर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न रीजन के 8 स्टेट्स के लोग यहाँ आए हैं पार्टिसिपेशन पे। इस ट्रेनिंग का मकसद वाटर सप्लाई स्कीम्स का डिज़ाइन करना और उसके एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस करने के बारे में है। इसमें जो एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा और ट्रेनिंग्स में खास फोकस होगा कि जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पेयजल योजनाएँ बनाई जा रही है, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए और उसकी मेंटेनेंस का भी इसमें जो प्रोविज़न है, उसको किस तरह से कम कॉस्ट पे किया जाए और एक अच्छी गुणवत्ता वाली पेयजल योजनाएँ बनाई जाएँ, जिससे देश के लोगों को फ़ायदा होगा। जल जीवन मिशन जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में 2024 तक हर जल में शुद्ध पेयजल योजना प्रोवाइड करना है। FHTC फुल फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है और इसके अंतर्गत काफ़ी तेज स्पीड में कार्य चल रहा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, इस वक्त ये नंबर 1 परफॉर्मिंग स्टेट है पूरे कंट्री में, और 2022 मिड तक हम पूरे प्रदेश में सरकार जो है हिमाचल सरकार कटिबद्ध है पेयजल हर घर तक पहुंचाने के लिए। विकास कपूर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंचार्ज की रिसोर्स सेंटर, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर ढांसीधार मंडी हूँ मैं। और ये जो हमारे यहाँ आज से 5 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसमें अलग अलग राज्यों से 8 विभिन्न राज्यों से जूनियर इंजीनियर से लेकर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक इसमें पार्टिसिपेंट्स आए हैं। अभी टोटल 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जल जीवन मिशन, नेशनल जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये करवाया जा रहा है, क्योंकि इसी साल से ये हमारा यहाँ का जो जल शक्ति विभाग का ट्रेनिंग सेंटर था, ये की रिसोर्स सेंटर बन गया है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें अब हम रेगुलरली जो हैं वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत नेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ऑफलाइन है। इसमें हम 5 दिन तक जो ग्रामीण पेयजल योजनाएँ हैं, उनके रख रखाव और उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, इन सभी पहलुओं के ऊपर हम इसमें चर्चा करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। मोस्ट सुटेबल फॉर शॉपिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, टेम्पल, ऑफिसेज, कम्युनिटी सेंटर एटसेट्रा। कैप्टन संतोष प्लॉट इज 2 to 5 minutes अवे फ्रॉम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील ऑफिस, कोर्ट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, मॉल एंड शॉपिंग। पार्किंग की उचित सुविधा के साथ प्रॉपर्टी में पानी बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247, 9987890935, 9816570085,
9816694149।